वो क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, यहाँ तक कि अगर किसी की भी मृत्यु होती है तो वो तक रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाला जाता है। और सोशल मीडिया पर वही चीज चलती है जिसकी लोग मांग करते हैं। अगर आप वो चीजें देखना ही बंद कर दें तो वो चीजें आपको नहीं दिखेंगी। वो कहते हैं ना, जो देखोगे वही दिखेगा। तो उसी के तर्क में मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा युवान, जिससे कि 13 साल से 19 वर्ष तक के लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब वो आपकी बातों में बहुत जल्दी आएंगे। इसी के साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि लोगों की निजी डेटा जो चोरी होता है, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे उनको भी बहुत हार्म होता है। अभी हाल ही की बात है, विराट कोहली जिस स्टेडियम में क्रिकेट खेलने गए थे और जिस होटल में वो ठहरे थे, वहां पे जिस कमरे में वो रहे थे, उसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ा था। तो सोशल मीडिया कितने ही इतने पॉपुलर लोगों के निजी डेटा को छीन लेता है। इसी के साथ बहुत से चैनल जैसे कि कैरी मिनाटी, जो कि अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसी के साथ हमें ध्यान रखना होगा। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बहुत छोटे हैं और ये सब देखना अभी उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। कभी कभी अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, इससे वो कुछ इन्हीं तरह की चीजों को देखने लगते हैं जो बहुत ही गलत है। उन्हें ये सब देखने का बिल्कुल अधिकार नहीं। इसी के साथ हमारी सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जो झूठी खबरें फैल रही है उसके लिए एक नियम बनाना चाहिए। कोई भी झूठी खबर कोई भी मान लेता है। कोरोना काल की बात करी गई यहाँ पर, कितनी झूठी खबरें फैली कोरोना काल में वो आप नहीं देख रहे हैं। कितने लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें फैला दी जो शायद कभी थी नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो ऐसे नियम बनाने चाहिए। इसके साथ 1 अरब से भी अधिक लोग सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। जापान एक वो देश जो बहुत डेवलप्ड है, जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, वहाँ का सोशल मीडिया यूजेज सिर्फ 45 मिनट है, जिससे कि वो कम से कम प्रयोग करते हैं और अपना दिमाग बाकी चीजों पर लगाते हैं। इसी के साथ अगर मैं आप सभी के समक्ष एक बच्चे को लेके आऊं और उससे कहूं कि मुझे शब्दकोश, जिसे अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं, उससे एक शब्द का अर्थ बताए, तो शायद वो उसे ये भी नहीं पता होगा कि शब्दकोश का प्रयोग कैसे करते हैं, क्योंकि आजकल जो शब्द है गूगल कर लो आपको अर्थ मिल जाएगा। लेकिन वो शब्दकोश की महत्वपूर्णता और पुरानी जो हमारी किताबें हैं उनकी महत्वपूर्णता हम भूल रहे हैं। तो हमें उनकी महत्वपूर्णता ना भूलते हुए किताबों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि असली खजाना किताबों में ही है। गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है, वो हमें सही मात्रा में चीजें नहीं बताता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि शिक्षा में हमारा साथ देता है सोशल मीडिया, मैं उनका पूर्णतः विरोध करती हूँ, क्योंकि कोरोना काल में 2 वर्ष ऐसे बहुत से लोग थे, जैसे कि सरकारी स्कूल के बच्चे, उन्हें तो ऑनलाइन कोई शिक्षा मिली ही नहीं, तो वो लोग क्या करें। इसी के साथ बहुत से बच्चे कमजोर भी हो गए अपनी विद्या ग्रहण करने में, शायद उनके पास उतना इंटरनेट अवेलेबल नहीं था जिससे वो उतनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका मैं पूर्णतः विरोध करती हूँ। और इसी के साथ हमें ये बात ध्यान रखनी होगी, जैसे कि मैंने अपनी शुरुआत में भी कहा था कि आग आपको जला भी सकती है और आपको गर्माहट भी दे सकती है। तो आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करिए, सोशल मीडिया आपको कंट्रोल ना करें। इन्हीं के साथ मैं अपने विचारों अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ और आशा करती हूँ, और मेरा कर्तव्य निवेदन भी है कि यहाँ उपस्थित सभी, ज्यादातर यहाँ बच्चे हैं जो स्कूली के बच्चे हैं, उनको ज्यादा ज्यादा दिमाग अपनी पढ़ाई पर लगाना चाहिए और सोशल मीडिया का सुउपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।